आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo T3 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन में ना कॉन्फ्रेंस कॉल कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कॉन्फ्रेंस कॉल करने के लिए सबसे पहले मोबाइल फोन का डायल पैड आपको ओपन करना है, ठीक है। डायल पैड ओपन करेंगे तो अब यहाँ पर आपको ना कोई भी एक नंबर यहाँ पर डायल करना है, कोई भी एक नंबर, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल के लिए ये नंबर डायल कर लेता हूँ। अब देखिए, जब ये सामने वाला पर्सन हमारी कॉल को रिसीव कर लेता है ना, तो कॉल को रिसीव कर लेगा तो मैं आपको आगे का प्रोसेस समझाता हूँ। तो देखिए, हमारा जो कॉल है रिसीव हो चुका है और यहाँ पे काउंटिंग भी चलने लग रही है। अब देखिए, अब आपको नीचे ना ये ऑप्शन मिलता है ऐड कॉल, ऐड कॉल पे आपको टैप करना है, ठीक है। तो आपका फिर से जो है डायल पैड आ जाता है। अब यहाँ पे डायल पैड में आपको कोई ना दूसरा नंबर यहाँ पे डायल करना है, कोई भी दूसरा नंबर। तो मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जो है ना कस्टमर केयर नंबर यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए तौर पर डायल कर लेता हूँ। तो देखिए, जब दूसरा पर्सन भी जो है ना कॉल को रिसीव कर लेता है, काउंटिंग यहाँ पे चलने लग जाएगी ना, तो आपको नीचे मर्ज कॉल का ये ऑप्शन दिखाई देगा। मर्ज कॉल का ये ऑप्शन आपको टैप करना है, ठीक है। तो आपकी जो कॉल है ना, ये कॉन्फ्रेंस कॉल में बदल जाएगी। मैं आपको दिखाता हूं इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अपने मोबाइल फोन में कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में यहां पे बातें बता देता हूं, समझा देता हूं। देखिए दोस्तों, कॉन्फ्रेंस कॉल में मैंने यहां पर करा क्या है कि दो नंबर मैंने डायल किए हैं और मैं खुद तीसरा पर्सन हो गया, तो हम तीनों लोग मिलकर ना एक ही कॉल लाइन पर बात कर सकते हैं। हम तीनों लोग में से कोई भी एक पर्सन अगर कुछ भी बोलेगा ना, तो वो बाकी के दोनों लोगों को सुनाई देगा, ठीक है। इसमें होता यह है कि कोई भी पर्सन जो है होल्ड पे नहीं रहता है, ठीक है ना। तो दोस्तों, अब एक बात ये भी आपको बता देता हूं कि ऐसा भी नहीं है कि आप जो है कॉन्फ्रेंस कॉल में सिर्फ दो ही नंबर यहां पे डायल कर सकते हैं। आप चाहे तो यहां पर जो है ना नंबरों की संख्या को बढ़ा सकते हैं, यानी कि और भी पर्सन को ऐड कर सकते हैं। वही सेम प्रोसेस है, आपको जो है करना क्या, ये ऐड कॉल पे टैप करना है तो आपका डायल पैड फिर से ओपन हो जाएगा। वहां पर आपको कोई तीसरा नंबर डायल करना है और जब तीसरा पर्सन भी कॉल को रिसीव कर लेगा, जब काउंटिंग चलने लग जाएगी उसके नंबर के आगे, तो आपको जो है ना नीचे मर्ज कॉल का ऑप्शन दिखाई देगा। तो मर्ज कॉल पर टैप करना है तो तीसरा पर्सन भी ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से आप और भी लोगों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों, फाइनली मैंने आपको बता दिया इस तरीके से आप अपने फोन में कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं, ठीक है।